गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह सुरक्षित होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं जोड़ और घटा, और वो किस तरीके से करेंगे आप सब देखते हैं कैसे करते हैं। हमारे पास दो मैंने घड़ियां बनाई हैं और उसमें एक घड़ी में 12 से लेके जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे ये अंक हो गए हैं। उसी प्रकार मैंने इस तरह बनाई है, इधर लिख दिया मैंने जोड़ और इधर लिख दिया है घटा। जैसे बीच में निशान भी बनाया है, ये जमा का निशान है और ये घटा का निशान है। देखते हैं इसको किस प्रकार इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हमारे पास जो सबसे बड़ा यहाँ पे अंक है कितना है वो, यस 12। अब देखते हैं हम 11 जमा 1 कितना हो गया हमारा 12। अब हम देखते हैं 10 जमा 2 कितना हो गया हमारा 12। अब हम देखते हैं 9 जमा 3 कितना हो गया 12। अब हम देखते हैं कि 8 जमा 4 कितना हो गया हमारा 12। हम देखते हैं 7 जमा 5 कितना हो गया 12। अब बच जाता है हमारा 6। अब अकेली संख्या है तो हम 6 में इसी को जोड़ देते हैं, 6 को ही जोड़ देते हैं। 6 जमा में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 12। करके देखिए आप। अब चलते हैं घटा की तरफ। घटा में देखते हैं हम अपना के ऊपर लिखा है इधर 12 और 12 के जो सामने सबसे नीचे क्या लिखा है 6। तो 12 माइनस 6 कितना आता है हमारा 6। अगर हम बात करें कि 11 माइनस 5 कितना आता है 6। अगर हम बात करें 10 माइनस 4 तब कितना आएगा 6। अगर हम बात करें 9 माइनस 3 कितना आएगा 6। अगर हम बात करें 8 माइनस 2 कितना आएगा 6। गुड। अगर हम बात करें 7 माइनस 1 तब कितना आएगा 6। तो कैसे लगे कमेंट में जरूर करके बताएं, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप भी इसको घर पर ट्राई करके देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।